नमस्कार साथियों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैनल पे मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, लीवोसल्फ्राइड टैबलेट, जिसको लीसराइड जिसका ब्रांड नेम होता है फ्रेंड्स, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है लीवोसल्फ्राइड टैबलेट। ये जो टैबलेट है हमारे पास फ्रेंड्स, ये 25 mg की टैबलेट है। इसके बारे में बात करेंगे, किस क्लास की ड्रग है, क्या इसका इस्तेमाल किस बीमारियों में किया जाता है, कॉमन साइड इफेक्ट इसके क्या है फ्रेंड्स, और इसके सेफ्टी एडवाइस क्या है, और कैसे ये काम करती है टैबलेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो टैबलेट हमारे पास है फ्रेंड्स, लीसराइड या फिर लीवोसल्फ्राइड टैबलेट है, ये फ्रेंड्स एक एंटी साइकोटिक क्लास की मेडिसिन होती है, जो साइकोसिस में यूज की जाती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज में इसका यूज किया जाता है, जिसको GERD कहते हैं फ्रेंड्स, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज में इसका यूज उसको ठीक करने में किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट का यूज IBS में किया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको ठीक करने में फ्रेंड्स। कैसे इस्तेमाल करना है आपको ये टैबलेट फ्रेंड्स, तो ये खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लीवोसल्फ्राइड जो हमारे पास टैबलेट है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करती है फ्रेंड्स ये, तो इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ एस्टिलकोलीन, एस्टिलकोलीन को बढ़ा देती है फ्रेंड्स ये टैबलेट। ये एक केमिकल, एस्टिलकोलीन क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। दिस इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, जिससे क्या होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का फ्रेंड्स मूवमेंट बढ़ जाता है, एंड प्रिवेंट्स एसिड रिफ्लेक्स, और जो ये हमें एसिड रिफ्लेक्स से बचाता है, मतलब एसिड जो बार बार ऊपर आने लगता है तो उससे फ्रेंड्स काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे ये बचाता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम, अब हम फ्रेंड्स इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखेंगे। तो इसमें आपको हेडेक हो सकता है, फैटिक थकान लग सकती है, स्लीपलेसनेस, मतलब फ्रेंड्स आपको नींद आ सकती है, स्लीपनेस है फ्रेंड्स, इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल इन ब्लड, और ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। ब्रांड नेम के बारे में हम बात करेंगे, इसके कौन से ब्रांड नेम आपको मार्केट में किस नेम से मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो ये आपको वेलप्राइड 25 mg के नाम से मिल जाएगी, निवोप्राइड टैबलेट के नाम से मिल जाएगी फ्रेंड्स, लेवा जियो 25 टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, नेक्सीप्राइड 25 टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर हम सेफ्टी एडवाइस की बात करें इसकी, तो एल्कोहल के साथ में ये अनसेफ है फ्रेंड्स, आपको नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी अगर किसी माता के है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लें फिर इस टैबलेट का यूज करें, ब्रेस्ट फीडिंग में अपने डॉक्टर की सलाह लें फ्रेंड्स, ड्राइविंग में ये मेडिसिन आपके लिए अनसेफ हो सकती है, इसलिए एक बार यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। किडनी की अगर आपको कोई बीमारी है फ्रेंड्स, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें फिर इस टैबलेट का यूज करें। लीवर की अगर आपको कोई डिजीज है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें फ्रेंड्स, फिर इस टैबलेट का यूज करें। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।